हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन मेड केयर। तो दोस्तों, आज मैं तोते के लिए प्राकृतिक कैल्शियम स्रोत के बारे में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। बजरी तोते के लिए प्राकृतिक कैल्शियम स्रोत स्वस्थ हड्डियों, चोंच और पंखों को बनाए रखने के लिए कलीगों को अपने आहार में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कलीगों के लिए कैल्शियम के कुछ प्राकृतिक स्रोतों में शामिल है कटल बोन। यह तोते के लिए कैल्शियम का एक लोकप्रिय स्रोत है और अधिकांश पालतू जानवरों के स्टोर में पाया जा सकता है। कटल बोन कटल फिश का एक कठोर चॉकलेट वाला आंतरिक खोल है जो कैल्शियम के साथ साथ अन्य भी प्रदान करता है, खनिज और ट्रेस तत्व। एग शेल्स, कुचले हुए एग शेल्स बॉडीज के लिए कैल्शियम का एक और बढ़िया स्रोत है। अंडे के छिलकों को स्टेरिलाइज करने के लिए 250 डिग्री फ़ारेनहाइट 120 डिग्री सेल्सियस पर 10 टू 15 मिनट के लिए ओवन में धोएं और बेक करें उन्हें। ठंडा होने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लें और अपनी बजी को पेश करें। खनिज ब्लॉक, विशेष रूप से पक्षियों के लिए बनाए गए खनिज ब्लॉक में कैल्शियम सहित कई प्रकार के खनिज होते हैं। आप इन ब्लॉकों को अधिकांश पालतू जानवरों के स्टोर में पा सकते हैं और उन्हें कैल्शियम के स्रोत के रूप में अपनी बजी को पेश कर सकते हैं। पत्तेदार साग जैसे केल, कॉलर साग और पालक भी तोते के लिए कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। इन्हें कम मात्रा में दें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ब्रोकली तोते के लिए कैल्शियम का एक और अच्छा स्रोत है। इसे कम मात्रा में कच्चा या भाप में पका कर दें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत महत्वपूर्ण हैं, वहीं आपके बजी के आहार में कैल्शियम का एकमात्र स्रोत नहीं होना चाहिए। आपके बजी को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बजी भोजन और पूरक भी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए घंटी आइकॉन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मेड केयर।